चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से। आपको बता दें कि सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने किया विधानसभा का दौरा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने किया विधानसभा का दौरा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा भी लिया। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि सत्र बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि उसके बाद बजट भी पेश होगा। बिल्कुल अस्मिता, देखिए कल से विधानसभा का मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसको लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा जाकर के तैयारियों का जायजा लिया। तमाम जो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सत्र शुरू होने के पहले, उन तमाम चीजों का जायजा लिया। उसके साथ ही विधानसभा के अंदर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद रहे और हेमंत कटारे भी कहीं ना कहीं जाकर के अध्यक्ष से मुलाकात भी की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में उन्होंने अध्यक्ष से ये अपेक्षा की है कि जो सत्र होता है, चूंकि हंगामा इतना ज्यादा हो जाता है कि सत्र पूरा चल नहीं पाता और बीच में ही सदन की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, उसके बाद भी जिस प्रकार से इस बार जो प्रश्न लगे हैं और कहीं ना कहीं नया अध्यादेश लागू करने जैसी तमाम जो चीजें हैं, जो प्रश्न हैं, उसके साथ ही 3 तारीख को जो है बजट पेश होना है, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे जो सत्र है, सत्र पूरा हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया था कि तमाम जो घोटाले हैं, परीक्षा में धांधली के विषय हो या फिर बिगड़ते लॉ एंड कानून की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि आज विधानसभा अध्यक्ष खुद विधानसभा पहुंच करके निरीक्षण किए हैं और उन्होंने बताया है कि स्पष्ट किया है कि जो विधानसभा है वो पूरे शांत और शालीन तरीके से चलेगा और हंगामा नहीं होगा। जो जनता की बात है, जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को सदन पे रखती आई है, उसको लेकर के भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की। उसके पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। तमाम सारी चीजों की तैयारियों का जायजा लिया है और अब कल से जब सत्र शुरू होगा तो देखना दिलचस्प यही होगा सुमेधा, किस प्रकार से इस बार का जो सत्र होगा वो कितना सार्थक होगा और कितने दिनों तक चलेगा। बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि सत्र से पहले तैयारियों को कितना चाक चौबंद कर लिया गया है, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां होना बाकी है। बिल्कुल अस्मिता, तैयारियों की बात करें तो जो विधानसभा क्षेत्र का जो दायरा है उस दायरे को धारा 144 लागू कर दी है, वहाँ तमाम सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उसके साथ ही आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। उसके साथ ही तमाम जो कहीं ना कहीं संदिग्ध लोग दिखते हैं उनको रोका जा रहा है, उनके बाकायदा कागज मांगे जा रहे हैं। उसके साथ ही आने वाले समय में जिस प्रकार से विधानसभा एक संवेदनशील एरिया होता है, उस एरिया को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं जो पासेस जारी किए जाते हैं, उस पासेस के जरिए जो अधिकृत पार्ट होगा लोगों के पास वही प्रवेश कर पाएंगे और जो बाहरी लोग हैं उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। तो तमाम जो तैयारियां हैं मतलब वो चाक चौबंद कर ली गई है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और कहीं ना कहीं अब यही देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल किस तरह से सत्र की शुरुआत होती है और किन मुद्दों को लेकर विपक्ष यहाँ पर जो है हमलावार नजर आता है। हालांकि मुख्यमंत्री का भी बयान हमने कुछ देर पहले ही सुना दुर्गेश, जिसमें वो कहते नजर आए कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और हमारा काम है उन आरोपों पर जवाब देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।